हेलो, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग तो पूछिए मत, नाच रहे गा रहे, खुशी मना और रहे हैं। आप लोग, मतलब आप लोगों को भी बहुत अच्छे से याद था। आपने इतना सारा कमेंट्स किया हाँ, इस वीडियो के भर लिए। भर के इस वीडियो का सबको इंतजार था। मैं भी मुझे ना कमेंट्स पढ़ के मैं भी मजे ले रही थी कि चलो बताएंगे बताएंगे, ऐसी बात नहीं हाँ, है। और बताए मैंने मतलब इस दिन का कब से इंतजार किया था कि मेरे जीवन में ये दिन आया, और फाइनली वो दिन आया। दीदी बोल रही थी कि मैं कम्युनिटी पोस्ट कर देती हूँ, शांत दीदी, मैंने तुरंत कहा नहीं दीदी, आराम से तुम अच्छी अच्छी वीडियो वीडियोस बना के डाल, बनाएंगे। कम से कम ये बात तो सबको पता चलनी चाहिए भाई, मेहनत रंग लाया है। तो मेरे से ना अभी ऐसे सपने ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि परसों रात को रिजल्ट आया था। कल मैंने उठते ही चेक किया तो फाइनली मेरा नाम था उसमें, और मैं गवर्नमेंट टीचर जो बीपीएससी वाला था उसमें बन चुकी हूँ। बन चुकी मतलब हूँ हाँ, अभी एग्जाम्स डॉक्यूमेंट में। वेरिफिकेशन बाकी है, वो होना है। तो मैं बोल रही थी दीदी से कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो फिर बताते हैं। दीदी कह रही नहीं लेट हो नहीं, आप जाएगा। लोग भी जानना चाह रहे थे। और पता है मैं अभी भी मैं विश्वास नहीं कर पा रही इस खुशी पे, सबके फोन कॉल, सबके मैसेजेस। और और दीदी जब इसने नाम पढ़ा ना, तो ये मुझे लगा पूरे दिन सोई नहीं बैठी, पूरी करीब मैं हो गई हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि है। ना मेरे जैसा कि पता है इस बार मेरिट बहुत हाई गई है, मतलब 80-92 ऐसे। साइंस और जिनका मैथ्स रहा होगा उनका तो बहुत सबसे ज्यादा मेरिट गया हुआ और है। दीदी का 90+ ही नंबर था ना हाँ, शायद। तो मेरा हाँ 94 करके कुछ नंबर था, और 88 पे मेरिट गई है हमारे सब्जेक्ट की। तो चलो फाइनली आ गया मेरा नाम, अभी काउंसलिंग कराने जाना होगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट। वेरिफिकेशन। हाँ, मेरे डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा एक मुझे एफिडेविट भी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ना मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में KM KM है, और ग्रेजुएशन अरे जो BEd वाला मार्कशीट है उसमें KM नहीं है, तो उसके लिए बता रही हूँ। तो क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा, खुशी कंट्रोल नहीं हो हाँ, रही। बस ये मैं चाहती हूँ कि दीदी का जो मतलब जहां भी लगे कुछ अच्छी मेरे जगह पापा पे और दीदी दोनों लगे पड़े कल से, सुनो खुद को खुश है। मतलब खुशी की, सुनो देखना, कोशिश करना ना कि गांव में नहीं मिले तुम्हारा स्कूल, सिटी एरिया में ही होना चाहिए, वरना तुम अकेले कैसे मैनेज कर पाओगी। अभी देखेंगे, अभी तो मैं चाहती हूँ तो क्योंकि कि ना मेरे गांव के भी और दीदी के गांव के भी एक लोग का हुआ था, तो उनका वहां पे सासाराम साइड में बहुत गांव में बैकवर्ड एरिया में भेज दिया था, उन्होंने छोड़ वो दिया। बेचारी ज्वाइन कर दी फिर छोड़ दी। सर दो तीन लोग कर चुके हैं। दीदी कह रही है नहीं, बैकवर्ड एरिया में होगा तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। पापा भी कह रहे हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बिहार में ऐसे लेकिन उसकी बैकवर्ड। बात ही नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है कि हो गया, मतलब हाँ, दीदी क्योंकि ने प्रूव कर दिया। मैंने एग्जाम जब भी दिया था ना, मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही यही था कि मुझे प्रूव करना है कि हाँ मेरी भी जॉब लग सकती है, हम भी काबिल हैं। ऐसे लोग कहते हैं ना, छपरी यूट्यूबर घूमते रहते हो तुम लोग, तो पढ़ते कब हो ये लेकिन वो। नहीं, अब दीदी ठीक है, ये तो अभी दीदी ज्वाइन हाँ, करेगी करेगी, उसके बाद दीदी यूपी वाले की भी तैयारी यूपी वाले करेगी की भी तैयारी को, मेरा मेन जो है ना, मैं सच्ची दिल की आज बात कि बता रही यूपी हूँ में कि नहीं, हो। मैं केंद्रीय विद्यालय की टीचर बनना अच्छा, चाहती हूँ। केवी के। हाँ, तो मैं KVS के लिए प्रिपरेशन भी करूँगी आगे, और आप लोग के ब्लेसिंग की वजह से, आप लोग के भर ऐसे दुआ आशीर्वाद की वजह से ये दिन हमारे जीवन में आया, तो थैंक यू सो मच। और जिन जिन लोगों ने पूछा था, मतलब अच्छा लगा और कमेंट्स जिन पढ़ जिन लोगों के। का इस BPSC वाले में हुआ है सिलेक्शन, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत और जिनका बधाई। नहीं हुआ है और जिनका उनको नहीं भी हुआ है वो भी निराश मत होइए, अभी आगे वैकेंसीज आएंगी, यूपी में भी आएंगी, बिहार में भी आएंगी, तो ट्राई करिएगा हाँ, उधर। जीवन तो असफलता तो मिलती रहती है। हाँ, और इस बार क्या हुआ है ना कि सारी जितनी भी सीटें थी ना वो भी फुल नहीं हुई है। BPSC ने ये भी नहीं क्लियर किया कि वेटिंग में रखेगा क्या करेगा जिन लोग का एक दो नंबर से नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ सीटें अभी फुल है, कुछ कुछ वैकेंट में है, तो हो सकता है नेक्स्ट हाँ, वैकेंसी में उसको ऐड करें, मतलब कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन इतनी बात सोचिए कि दीदी की गवर्नमेंट जॉब में लगने वाली है। अच्छा लग रहा है सुन के। हाँ, तो बस मेरा पता डॉक्यूमेंट नहीं कब लगेगा। तुम्हारा भी लग जाएगा बच्चा, मेरा भी देखिए क्या होता है, एक दो तो साल के अंदर बस कुछ यही ना कुछ हो है। ही जाएगा। जी, जो भी लोग लगे हैं टीचर वाले में, तो आप लोग जिस भी स्कूल में जाइएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं यही कहूँगी निभाइएगा, अच्छे से टीचिंग करिएगा, आने वाले भविष्य हैं बच्चे। ठीक होता हाँ ठीक है, आ जाओ, जो मुझे हमारे आने जुकाम वाले है। फ्यूचर के मतलब भारत के जो भविष्य हैं उनकी, अच्छे से उनको पढ़ाइए लिखाइए, अपना पूरा 100% दीजिए। तो फाइनली इतने सालों की तपस्या के बाद आज ये दिन हमारे जीवन में आया है। आप लोग भी थैंक यू सो मच मुझे इतना आशीर्वाद प्यार देने के लिए। तो ये खुशी हम सबसे बड़ा कैसे, योगदान मेरा है। हाँ भाई तुम्हारा है। जब भी मेरे एग्जाम्स होते हैं ना, मेरी प्रियंका मेरे लिए चाय कॉफी बना बना के मेरे को उठा उठा के पढ़ाती है, पढ़ो 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 पढ़ो। तो मेरे नाक लाल हो ये तो हो गया। गया, बहुत अच्छी बात है, पर मैं यूपी के लिए भी वो करूँगी, क्योंकि बिहार थोड़ा सा मेरे लिए अनजाना सा है। पर ठीक है, ये हुआ ना, मेरा मेन जो मेन मेरा क्या था कि मैं पापा को प्रूव करूँ कि हाँ भाई मेरी भी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है,
मेरे गांव के सारे लोग, मेरे आस पड़ोस रिश्तेदार सब मेरे जल कुकड़े जितने भी जलने वाले लोग हैं सब मेरे पापा पापा से मजे ले रहे थे कि तुम्हारी बेटी का नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी कहीं नहीं हुआ, इतने 2-3 साल 4 साल हो गए तैयारी करते हुए। तो अभी उन सबके मुंह पे रंग लगने वाला है। आगे क्या क्या होगा, क्या होने वाला है वो उसके बारे में बताएंगे हम। बस डॉक्यूमेंट के लिए भी थोड़ा सा डर रही है कि रही मेरे किया के लिए। पता है क्या होता है ना, मैं जब केवी का मैं प्रिपरेशन कर रही थी, जिस बार जब मेरा केवीएस के प्राइमरी मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन यही था कि बीएड वालों को उस टाइम बाहर कर दे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। तो उस टाइम क्या हो रहा था, जितने भी लोग थे ना सबका जो डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें इतने सारे लोगों को छाट दे रहे थे किसी का एक स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। और इसकी वजह से दीदी के डॉक्यूमेंट की वजह से भी दीदी को बीएड में स्कॉलरशिप नहीं मिला। हाँ सच्ची बता रही हूँ, मतलब एक सबको 30,000-40,000 करके मिला भी था, मेरे को एक भी नहीं मिला था डॉक्यूमेंट। तो जो लोग भी जानने वाले होंगे मेरे को बताइएगा। वैसे तो मैं एफिडेविट लगा दूंगी जो भी बनता है, और यहाँ पे ही शिक्षा क्या बोलते हैं बेसिक शिक्षा परिषद, वहाँ पे भी जाके मैं उसको करेक्ट करने के लिए दे दूंगी। तो देख आपको ज़्यादा ही खुश हो गया लग रहा है। और बस फाइनली रिजल्ट आ गया। अब मैं उन लोगों से यही कहूँगी जिन लोग का नहीं हुआ है, निराश कि आप मत निराश होइए, मत होइए, क्योंकि ठीक है, और सफलता भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। जिस दिन आप इसके बाद जब आप सफल होंगे ना, और खुशी होगी, तो वो खुशी और 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत संघर्षों के बाद वो चीज़ पाई होगी। तो बस नहीं मेहनत तो सारे मेहनत आप ही करते से आप लोग लग जाइए। एक भी दिन ठीक है दुखी, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का तकलीफ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ कि फेलियर क्या चीज़ होती है, जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। कि बाकी लोग तो बस बोलेंगे अच्छा नहीं हुआ, मज़े लेंगे चले जाएंगे, लेकिन जिस पे बीतता है ना वही जानता है कितना तकलीफ़ होता है फेल होने पर। तो उस फेलियर को ना अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, रो लीजिए रोना है तो, पर टाइम वेस्ट मत करिए, अभी के अभी से लग जाइए, अभी से लग जाइए आप लोग, और मेहनत करिए। नेक्स्ट वाला जो भी वैकेंसी आएगा उसमें भगवान जी करे हो जाए आपका। और आप लोग बहुत सारे लोग ये पूछेंगे दीदी आपने तैयारी कहाँ से की थी, आपने कौन से बुक पढ़ी थी, आपने क्या करा था। तो मैं आपको आराम से बताऊंगी, पर बता देती हूँ कि मैंने सचिन सर के ऐप से ही अपना कोर्स लिया हुआ था। हमारे घर में शादी है ना, इसीलिए थोड़े हम व्यस्त ज़्यादा हैं। और अभी मेरे घर में शादी है 22 तारीख को, तो सब उसमें व्यस्त हैं अभी हम लोग, बिजी हम लोग हैं कि हम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बस आप जितने भी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे कि दीदी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो ये हुआ मेरे चेहरे की स्माइल से। पहले जो सारी वीडियोस आ रही हैं वो पहले की हैं, बहुत वो बहुत पहले की हैं, करीब 1 हफ्ते पहले की वीडियोस हैं, तो इसलिए वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। तो ठीक है, जिनका हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग एकदम लगे रहिए और आगे बढ़िए, आगे के बारे में सोचिए। और जिनका नहीं हुआ है वो भी डीमोटिवेट मत होइए, एक ना एक दिन तो होगा। वो स्टोरी है ना कि 17 बार जो चींटी थी उजाला बना रही थी ना, नहीं बन रहा था, गिर जा रही थी, फिर अंत में बना। तो निराश बिल्कुल भी मत होइए, सब अच्छा होगा, ठीक है। तो मेरे को इतना सारा प्यार आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में, आगे जो भी अपडेट होगा बताऊँगी मैं। तब तक के लिए बाय।